जलियांवाला बाग, नाम सुनते ही शरीर में सिहरन सी दौड़ने लगती है। सुनाई देने लगता है एक ऐसा कोलाहल जो मानो आत्मा को अंदर तक झकझोर देता है। बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, यहां वहां दौड़ते हुए कदम, खुद को अंग्रेजों की गोलियों से बचाने के लिए कुएं में कूदते हुए जिस्म, धाए धाए करते बंदूकों की नलियों से निकलता निहत्थे मासूमों के खून से सना धुआं। आज का दिन इन्हीं दृश्य को याद करने का दिन है। आज का दिन ये याद करने का दिन भी है कि आज़ादी न तो बिना खड़ग के मिली न बिना ढाल के मिली है। आज़ादी ऐशो आराम के साजो सामानों से सजे विशाल महलों में बनी आरामदायक जेलों से नहीं निकली है। आज़ादी निकली है लाखों भारतवासियों और महान क्रांतिकारियों के बलिदानों से। आज का दिन ये याद करने का दिन भी है कि भारत माता के चरणों में अपने प्राण अर्पित करने वाले वीरों को सिर्फ एक दिन याद नहीं करना चाहिए, बल्कि हर दिन अपनी प्रार्थनाओं में उनका स्मरण किया जाना चाहिए। क्योंकि भारत के बलशाली होने का एक पहलू एक बलशाली समाज भी है, जो निरंतर देश की सेवा के लिए कार्यरत रहता है और जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों की आहुति भी दे देता है। जलियांवाला बाग सिर्फ एक स्थान नहीं है, बल्कि हम करोड़ों भारतवासियों के लिए पवित्र तीर्थस्थल है। भारत माता की जय।